जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से शुरू हुई सियासी सरगर्मियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां सरकार घाटी के हालात सामान्य करने की जद्दोजहद में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष वहां जाने की कवायदों में। ये चर्चा इसलिए जोरों पर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर जाने की इजाजत दे दी है। दरअसल आर्टिकल 370 के हटने के बाद से गुलाम नबी आजाद ने दो बार अपने गृह प्रदेश जम्मू कश्मीर जाने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार वो विफल रहे। उन्हें प्रशासन ने एयरपोर्ट से वापस दिल्ली भेज दिया। इसके बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका दायर कर अपने परिवार वालों और संबंधियों से मिलने की इजाजत मांगी थी। हालांकि कांग्रेस नेता को सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में किसी भी राजनीतिक गतिविधियों और रैली में भाग लेने से मना किया है, लेकिन गुलाम नबी आजाद को मिली घाटी जाने की इजाजत सियासी गलियारों की सुर्खियां जरूर बन गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।